साहब आज जो है राष्ट्रवादी के संपर्क मंत्री तथा आरोग्य मंत्री आपके पास आए थे, कुछ विषय पर आपकी उनके साथ चर्चा हुई, तो क्या क्या विषय सामने आए? और चंद दिनों में रमज़ान माह भी शुरू हो रहा है और कड़ा लॉकडाउन का भी चल रहा है गवर्नमेंट का, तो क्या विषय पे चर्चा हुई आपकी और क्या आपको उन्होंने वादा किया है? आज हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस के पूर्व सीनियर जो हमारे पार्टी के लीडर्स हैं उनके साथ एक डेलीगेशन हम जालना में ले जाकर तो उनके साथ कुछ घर पर मिले कि भाई रमजान का महीना आ रहा है, पहले तो ये होना चाहिए कि रात होना ही नहीं चाहिए, अगर होता है तो उससे जो मुतासर हैं वे गरीब है बेरोज़गार हैं उन लोगों की मदद का इंतजाम होना चाहिए। उससे सबसे अहम बात यह कि रमजान मुबारक में मुस्लिम लोग रोजे रखते हैं, उनके इफ्तार का मसला होता है, इफ्तार को सबको फूड वगैरह मिलने की लोगों की सहूलत होना चाहिए। अगर आप लॉकडाउन लगाएंगे कड़क लॉकडाउन लगाएंगे तो कम से कम इस इफ्तार के लिए उनके स्पेशल छूट रखी जाए। उसी तरीके से सबसे अहम रमज़ान का महीना जो मुसलमानों का महीना है ये इबादत का महीना है, लोग रोज़े नमाज़ पढ़ते हैं हर साल रमज़ान में एक महीना तरावी स्पेशल नमाज होती है जो आम दिनों में नहीं होती, उस नमाज के लिए हम लोगों को रात में आपकी अगर कड़क से कड़क भी आप लॉकडाउन लगाते हैं तो भी नमाज के लिए हमको सहूलत दी। तो राजेश टोपे साहब ने हमसे वादा किया है कि रमज़ान मुबारक में आपको तरावी की नमाज के लिए 8 से 10 तक का टाइम हम छूट देंगे, पहले तो उन्होंने ये वादा की। उसी तरह से इफ्तार के जो आपके लोगों को जो इफ्तार के बाद लोगों को फ्रूट्स वगैरह जो जरूरत है जरूरत की चीज़ें हैं वो बेचने की भी हम मार्केट में सहूलत देंगे, और बाकी जो उससे मुतासरीन हैं उनकी हम मुमकिन मदद करने की कोशिश करेंगे, ऐसा राजेश टोपे साहब ने हमको आश्वासन दिया और हमारा डेलीगेशन जिस मकसद के लिए गया था वो मकसद में कामयाब रहे। मेरा सवाल ये है मुश्ताक साहब, आप एक नेता है राष्ट्रवादी के बड़े, लेकिन ये जो कड़क जो लॉकडाउन लगाया जा रहा है तो इससे औरंगाबाद में विरोध हो रहा है, कुछ सियासी पार्टियां अभी जो है रास्ते पर उतरने के तैयारी में है, तो इसमें राष्ट्रवादी की भूमिका क्या है, क्या रास्ता निकलेगा इसमें? देखिए राष्ट्रवादी कांग्रेस के हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे खुद राष्ट्रवादी कांग्रेस से ताल्लुक़ रखते हैं और इस सरकार में राष्ट्रवादी कांग्रेस शामिल है, हमारे डिप्टी CM राष्ट्रवादी कांग्रेस के हैं, सभी राष्ट्रवादी कांग्रेस के कार्यकर्ता पार्टी लीडर और सभी सत्ता में जो पक्ष है सबकी इच्छा है कि लॉकडाउन न लगाया जाए, लेकिन दिन ब दिन पेशेंट बढ़ रहे हैं। आपने देखा कि कोरोना के पहले फेज में औरंगाबाद का हाईएस्ट स्कोर 540 का था और आज ये पोजीशन है कि कल की कहने की बात है कि 1900 से ज़्यादा पेशेंट कल हमारे पास। तो अब यह सवाल है कि गवर्नमेंट खुद नहीं चाहती कि लॉकडाउन लगाया जाए, लेकिन इस मर्ज को कोरोना की जो जिम्मेदारी बढ़ रहा है इसको रोकने का क्या तरीका हो सकता है? हतमकान कोशिशें की जा रही कि पहले कोशिश की गई कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो किया जाए, सैनिटाइजर से हाथ बार बार धोया जाए, मास्क लगाया जाए, ये बहुत कोशिश की गई, लेकिन लोगों ने उस पर गौर नहीं किया, ध्यान नहीं दिए, उसकी वजह से मर्ज बढ़ता जा रहा है और मर्ज बढ़ने की वजह से अब गवर्नमेंट के सामने दोनों भी मसाइल हैं कि गवर्नमेंट से लॉकडाउन से अवाम की परेशानी ना हो, व्यापारियों की परेशानी ना हो, गरीब और गरीब गुरबा और निचले तबके के लोगों के माशी नुकसान ना हो, ये गवर्नमेंट की ख्वाहिश है, लेकिन सबसे पहले मसला है कि इन सबकी जान बचाने का मसला गवर्नमेंट के सामने आया है, गवर्नमेंट सोचती है कि जान बचाने का क्या तरीका हो सकता है। तो सब गौर और फिक्र करने के बाद गवर्नमेंट इस नतीजे पहुँची है कि जब तक लोगों को जो है घरों में न रखा जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे लोग बाहर निकलते जाएंगे ये मर्ज बढ़ता जाएगा, तो ठीक है पिछले बार 6-6 महीने चला वैसा नहीं होगा, लेकिन कम से कम 8 रोज़ के लिए 15 रोज़ के लिए सख्ती का लॉकडाउन करने की जरूरत गवर्नमेंट महसूस कर रही है। लेकिन गरीबों के भूख का इंतजाम कीजिए ना, आपकी सरकार है तो। हमने यही आज हमारा डेलीगेशन जो राजेश टोपे साहब से मिला है तो हमने उनसे यही कहा कि अगर आप कलेक्टर लॉकडाउन करते हैं तो गरीब के जो गरीब 400 रुपये 300 रुपये कमा के अपना घर चलाता है वो कैसे घर चलाएगा, तो उसको पार्टियों के माध्यम से सरकार के माध्यम से उनके उनको जो फ्रूट्स उनको जो राशन किट्स उनकी जो ज़रूरियात है ये भी मुहैया की जानी चाहिए। तो हम अपने तौर पर हमारे पार्टी की तरफ भी काम करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट भी पूरी पूरी मदद देंगे सर, राजेश टोपे साहब ने आश्वासन दिया है, मुख्यमंत्री पूरी कैबिनेट कल परसों अपोजिशन के साथ उन्होंने मीटिंग ली, उसमें काफ़ी गौर और खौस हुआ,
और अभी भी उस पर निर्णय नहीं हुआ। अभी भी गवर्नमेंट की ख्वाहिश लॉकडाउन लगाने की नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन एक मजबूरी होता जा रहा है, जिसको अब हम भी यानी गवर्नमेंट भी रोक नहीं पाएगी। हम सब लोग थोड़े से हालात से करना पड़ेंगे, लेकिन मैं वैसे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के आपको आश्वासन देना चाहूँगा कि ये गवर्नमेंट और हमारी पार्टी इस लॉकडाउन के पीरियड में जो समस्याएं होगी गरीबों की और जनता की, वो हल करने की और उनको पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे।